दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर को आईपीएल का सबसे ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाना है, जिसमें चेन्नई और कोलकाता की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आने वाली है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी आईपीएल का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। दोस्तों, इस अहम मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कोलकाता की टीम को चेतावनी दे डाली है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और इयान मॉर्गन में कौन है बेहतरीन कैप्टन? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, विजयदशमी के दिन आईपीएल के 14वें सीजन का सिकंदर पता चल जाएगा। फाइनल में दो ऐसी टीमें टकराने जा रही हैं जिसने पहले भी खिताब अपने नाम किया हुआ है। एक तरफ धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 3 बार ट्रॉफी उठाई है, तो वहीं दूसरी ओर इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स, जो 2012 और 2014 में गौतम गंभीर के नेतृत्व में चैंपियन बन चुकी है। एमएस धोनी और इंग्लैंड के इयान मॉर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अपनी कप्तानी में राष्ट्रीय टीम को वनडे में वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया, और अब पहली बार है जब दो वर्ल्ड कप विजेता कप्तान आईपीएल खिताब के लिए आपस में टकराएंगे। केकेआर ने इस सीजन के पहले चरण में खेले 7 में से 5 मुकाबले गवा दिए थे और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये टीम अंतिम चरण में जगह बना पाएगी, लेकिन आईपीएल के दूसरे चरण में कुल 9 में से 7 मैच जीतकर इस टीम ने अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस साल आईपीएल में बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रही है, जिसकी वजह से वो पहले तो सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बनी थी, उसके बाद आईपीएल के फाइनल मुकाबले में भी उसने अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर महेंद्र सिंह धोनी को काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और उन्होंने पूरा विश्वास दिखाया है कि उनकी टीम इस साल का आईपीएल का खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बयान में कहा है कि जैसे ही उन्होंने पहले कहा था कि 2021 की आईपीएल में हमारी टीम जबरदस्त वापसी करेगी, और हमने ऐसा करके भी दिखाया है, और हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है और उन पर काम किया है और उन्हें अपनी मजबूती बनाई है, जिसके बाद हमने इस सीजन में इतने शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है कि हम सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बने थे। वहीं टीम के कई खिलाड़ी इस साल आईपीएल का खिताब चेन्नई के नाम कराने के लिए अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि इस साल अगर आईपीएल ट्रॉफी अगर कोई टीम जीती है तो वो सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ही होगी। और वहीं कोलकाता की टीम ने पिछले मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों मुकाबले में चेन्नई की टीम ने कोलकाता को बड़ी ही बुरी तरह से हार का स्वाद चखाया है, इसीलिए अगर फाइनल मुकाबले में कोई टीम अगर दबाव में होगी तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम होगी। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के इस बयान को सुनने के बाद आप सभी को क्या लगता है कि क्या धोनी इस साल चेन्नई की टीम को आईपीएल का खिताब जितवाने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।